हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, कैन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बी एक्सपेंडेड एज ए फोरियर सीरीज इंटरवल माइनस पाई टू पाई। अब उसने पूछा है कि जो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, वो दिया हुआ है टेन एक्स। उसने पूछा है कि ये एक्सपेंडेबल है अगर इंटरवल हमारा माइनस पाई टू पाई होगा। तो मैंने बोला है कि डिरिचलेट कंडीशन के बारे में आपको बताया था। डिरिचलेट कंडीशन में हम क्या करते थे कि हम देखते हैं कि हमारी की जे जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक उसकी फोर्थ कंडीशन थी कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटेग्रेबल होना चाहिए एब्सोल्युटली। अगर तो वो इंटेग्रेबल होगा तब हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं अभी आपको, जैसे कि ये टेन एक्स है, सबसे पहले एक इंटीग्रेशन में एक रूल होता है कि मान लीजिए आपकी लिमिट जो है इंटीग्रेशन में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, या फिर माइनस ए से ए है, साथ में कोई फंक्शन दिया है dx, इसको आप 20 से इन्फिनिटी करना चाहते हो, मतलब इजी कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर तो वो फंक्शन इवन आएगा तब कर सकते हो। अगर वो फंक्शन ही ऑड आ जाए तो आप सीधा ही उसका इंटीग्रेशन जीरो लिख सकते हो। तो ऐसे ही हम इसका देखेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई आएगा और साथ में टेन एक्स आएगा, साथ में डी एक्स आएगा। मीन्स इसका हम पहले इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं कि एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसका इवन और ऑड फंक्शन देखना पड़ेगा। अगर तो इवन होगा तो इसका आगे करेंगे सॉल्व, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां हमने माइनस एक्स फिल कर दिया है। अब यहां हमने एक्स है वहां वहां माइनस एक्स फिल कर दिया है, तो ये टेन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो ये माइनस टेन एक्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स। और ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी ऑड फंक्शन की। तो जब भी हमारा ऑड, अभी मैंने बोला था जब ऑड फंक्शन होगा तो सीधा हमने जीरो लिख देना है, ये टू मार्क्स में आता है, तो ये तब हमने क्या लिख देना है, इसका आंसर जीरो लिख देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स कैन नॉट बी एक्सपेंडेबल, एन एक्स है कैन नॉट बी फाइनाइट। तो मैंने पहले ही बोला था कि वो फाइनाइट होना चाहिए, अब इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो जीरो हो गया सीधा ही, तो फाइनाइट नहीं है, माइनस पाई टू पाई। तो इसका मतलब हम इस पे फोरियर सीरीज इज नॉट एप्लीकेबल, तो फोरियर सीरीज इसकी हम नहीं लगा सकते, तो फोरियर सीरीज इज नॉट वैलिड लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो ये टू मार्क्स में जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये टू मार्क्स का है, सबसे पहले आपने यही देखना है कि आपकी जो इवन फंक्शन बन रहा है कि ऑड फंक्शन बन रहा है। तो टू मार्क्स में ये ऑड बन रहा है तो आप इसको सीधा ही आप उसको बोल दो कि ये इसका हम फोरियर सीरीज नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि इसका ऑड बन रहा है तो इसका आंसर जीरो बन जाएगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।